HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूँ साक्षी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, कार्यकर्ता के तौर पर कर रहा था काम। सिद्धार्थनगर में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान किसान, रात दिन जागने को मजबूर है किसान। विजय माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, अब सरकार जब्त कर सकेगी संपत्ति। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो। और अवैध खनन को लेकर दिल्ली यूपी में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, आईएएस चंद्रकला के घर पर भी छापेमारी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में दादरी कोतवाली क्षेत्र में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम धर्मेंद्र उर्फ धर्मी महावर बताया जा रहा है। फिलहाल वो भाजपा में बतौर एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था। ग्रेटर नोएडा में दादरी कोतवाली क्षेत्र में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम धर्मेंद्र उर्फ धर्मी महावर बताया जा रहा है। फिलहाल वो भाजपा में बतौर एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था। ये भी पता चला है कि मृतक पर बदलपुर थाना में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं और वो ठाणे का हिस्ट्री शीटर रह चुका है। कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर आया था। फिलहाल वो सपरिवार आमका रोड पर रह रहा था। जानकारी के मुताबिक हत्यारे धर्मेंद्र को घर से उठाकर ले गए थे और उसका शव रूपवास बाईपास पर सड़क किनारे मिला। धर्मेंद्र को 5 गोलियां मारी गईं। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुट गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस मीडिया सेल ने जानकारी दी है कि थाना प्रभारी दादरी द्वारा अवगत कराया गया कि इस बारे में 5 नामजद और 8-10 अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ माना जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। आवारा पशुओं के आतंक से इस समय जहां प्रदेश के किसान बेहाल हैं, वहीं इस समस्या को सिद्धार्थनगर जिले के किसान भी झेल रहे हैं। आवारा पशुओं का आतंक इस कदर है कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए रात दिन जागने को मजबूर हो रहे हैं। आवारा पशुओं के आतंक से इस समय जहां प्रदेश के किसान बेहाल हैं, वहीं इस समस्या को सिद्धार्थनगर जिले के किसान भी झेल रहे हैं। आवारा पशुओं का आतंक इस कदर है कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए रात दिन जागने को मजबूर हैं। जिले के किसानों का पूरा समय इन आवारा पशुओं को भगाने में ही गुजर रहा है। इन पशुओं का आतंक सिर्फ खेतों तक ही नहीं, ये आवारा पशु सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर भी धमा चौकड़ी करते हैं और एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। जहां किसान परेशान है, वहीं मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी है कि न तो इन आवारा पशुओं को पकड़वाने की जहमत उठा रहे हैं और न ही कहीं गौशाला ही दिखाई पड़ रही है। आवारा जब से ये सरकार आई हुई है, आवारा पशुओं को कोई भी रोक टोक नहीं। आवारा पशु हमारे फसल को इतनी ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। पूरी रात हमें ठंडक में जाग करके, पूरी रात जाग करके हमें फसल की रखवाली करनी पड़ती है। जैसे सरकार को चाहिए कि आवारा पशुओं के लिए ऐसी समुचित व्यवस्था की जाए जहाँ पर पशुओं को इकट्ठा किया जाए, जिससे हमें रात रात भर जगना ना पड़े। ठंडक में एक अगर ठंडक आदमी को लग जाएगी तो उसे भी दिक्कत, किसान कि हम किसान आ सकते हैं। नहीं तो 12 बजे रात तक डंडा लेके खेत में रहो, उसके बाद फिर मजदूरी करे जाओ तो बहुत परेशानी होती है। नेता लोग खाली बोल देते हैं, उसके बाद फिर चुपाए जाते हैं। उसका कुछ कहे चाहे करे चाहे, खाली कह दिए कि बस छोड़ दो, बस छोटा पस कहाँ ले जाए। कोका करे कि तो स्कूल में करे कि तो कचहरी में करे खदेड़ के, लेकिन लेके जाओ तो रास्ता में बीमार खाओ, तो सरकार के कुछ करे। किसानों ने अपनी पीड़ा बताने का नायाब तरीका भी अपनाया और सैकड़ों की संख्या में किसान आवारा पशुओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। फिर भी किसानों की सबसे बड़ी समस्या को जानने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर ना पहुंचा। एक तरफ जहां किसान आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है, तो वही जिम्मेदार अधिकारी है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। HBN न्यूज से संवाददाता सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। कई बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेकर भारत से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। कई बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च लेकर भारत से भागे शराबी कारोबारी
विजय माल्या को स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार भी मिल गया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म के सीन में पूर्व पीएम नरसिंह राव के निधन का सीन दिखाया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया। अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है राजनीति में हंगामा बरपा हुआ है। यही नहीं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। वहीं इस फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए पूर्व पीएम नरसिंह राव सबसे दुखद दिनों में से एक था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के खनन माफिया के संबंध में दिल्ली, कानपुर, हमीरपुर समेत कई अन्य जगहों पर छापेमारी शुरू की है और इसी कड़ी में IAS अधिकारी बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित आवास पर भी CBI की एक टीम ने छापा मारा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश के खनन माफिया के संबंध में दिल्ली, कानपुर, हमीरपुर समेत कई अन्य जगहों पर छापेमारी शुरू की है। IAS अधिकारी बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित आवास पर भी CBI की एक टीम ने छापा मारा है। CBI की छापेमारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई। अखिलेश यादव की सरकार में बी चंद्रकला IAS बी चंद्रकला की पोस्टिंग पहली बार हमीरपुर जिले में जिलाधिकारी के पद पर की गई। अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।